नमस्कार, मैं निशा मोकल। थैंक यू सो मच मुझे ये मंच पे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। मेरी म्यूजिक की लाइफ की जर्नी, मैं पहले तबला सीखी हूँ, उसके बाद ये मराठी फोक इंस्ट्रूमेंट ढोलकी, उसके बाद ये ढोलक, उसके बाद है ये काहन, ये वुडन, ये इंडियन बोंगो है और ये वुडन बोंगो है। तो जैसे जैसे मैं एक एक इंस्ट्रूमेंट के वीडियोस बनाती गई और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसे जैसे मैं अपलोड करती गई, तो व्यूवर्स ने ही मतलब मुझे ये टैग दे दिया मल्टी पर्कशनिस्ट करके, क्योंकि एक मैं इंस्ट्रूमेंट मतलब एक इंस्ट्रूमेंट पे मैं सीमित नहीं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, तो मुझे क्या बोलना चाहिए, तबला प्लेयर बोलना चाहिए, ढोलकी प्लेयर बोलना चाहिए, ढोलक प्लेयर बोलना चाहिए, बोंगो प्लेयर बोलना चाहिए। तो व्यूवर्स ने मुझे एक ये नाम दे दिया मल्टी पर्कशनिस्ट। तो मैं अभी एक एक इंस्ट्रूमेंट का एक डेमो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। शुरुआत मतलब मैं स्कूल से ही ये लाइन में हूँ, मतलब मुझे म्यूजिक का स्कूल से ही मतलब बचपन से तो म्यूजिक था ही, पता नहीं एक अंदर से एक रिदम हमेशा मैं बजा लेती थी। गांव में एक छोटी थी तब मैं गांव में गई थी, वहाँ पे गणपति उत्सव में ढोलक बजाते, तो वो मैंने बजाना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो रिदम आते गया। तो मेरे मतलब घर पे जब मैं आई मुंबई में वापस गाँव से, तो सब दीपे बजा रही हूँ, कबड़ बजा रही हूँ, बेड बजा रही हूँ, तो वो एक रिदम ऑलरेडी मेरे मेरे में था। वो मेरे जो गुरु सदानंद साजम ये तबला सिखाते थे, तो मेरी बहन वहाँ पे मंदिर में जाती थी, तो उसने देखा कि फीमेल भी वहाँ पे तबला बजाते हैं करके। पहले इसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि फीमेल भी बजा लेते हैं रिदम। तो मुझे मेरे सिस्टर, बड़ी सिस्टर ने मेरा नाम वहाँ पे दर्ज किया, तो वहाँ से मेरी तबला इसकी शिक्षा स्टार्ट हो गई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे कॉलेज में आई, तो कॉलेज में ढोलकी ये इंस्ट्रूमेंट ने मुझे अट्रैक्ट किया, तो वो ढोलकी मैंने गुरुवर्य सी सदानंद राजाराम जामसंडेकर इनके पास से मैंने ढोलकी की शिक्षा ली। जो ढोलकी में एक ता आता है, वो ता निकालने के लिए मेरे 6 महीने चले गए। मतलब एक 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 बाज रहता है हर एक इंस्ट्रूमेंट का, वो उसी तरह से बजना चाहिए। हर तबले का एक बाज है, ढोलक का एक बाज है, वैसे ही ढोलकी का एक बाज है। तो वो ढोलकी में ता लाना मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल हुआ था। वो 6 महीने तक मेरे गुरु ने वो ता जब तक नहीं आ रहे तब तक मेरे से वो प्रैक्टिस करवाई। मतलब ता बजाते बजाते मेरे फिंगर्स में स्वेलिंग आने लगी थी, तो भी मैंने छोड़ा नहीं, मिले नहीं, वो ता आना ही चाहिए करके।
तो ऐसे मेरे ढोलके की शिक्षा मतलब स्टार्ट हुई। ढोलक मैंने कहाँ पे सीखा नहीं, ढोलक मैंने ऑटोमेटिकली ऐसे प्रैक्टिस दूसरों को देख देख के मैंने सीखा ये ढोलक, और अच्छा लगता है ढोलक बजाना भी। और उसके बाद मुंबई में एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है हर साल, तो वो म्यूजिक फेस्टिवल में मैं गई थी। तो वहाँ पे मेरे जो लैटिन इंस्ट्रूमेंट में जिनके पास मैं सीख रही हूँ, मिस्टर श्याम हेडवनकर, तो वो वहाँ पे तुम्बा प्ले कर रहे थे। तो वो तुम्बा और बोंगो प्ले कर रहे थे। तो मैंने जब उनको देखा वो बजाते हुए, तो वो इंस्ट्रूमेंट ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, मैंने ये कैसे बजा लेते हैं, मतलब इतने में अट्रैक्ट हो गई, नहीं मुझे ये प्ले करना ही है। तो उनका प्ले होने के बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये इंस्ट्रूमेंट मुझे आपके पास से सीखना है, क्या प्लीज़ आप मुझे सिखाओगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ सिखाएंगे। तो लैटिन इंस्ट्रूमेंट की शिक्षा भी उनके पास मेरे ऐसे स्टार्ट हो गई। उसके बाद तुम्बा बजा लेती हूँ, ये बोंगो है, काहोन भी उनके पास ही मैंने सीखा। ऐसा एक एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसे मुझे जो इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है, रिदम मतलब कहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, खाली उसका बास समझ के ले लो, ये उसका बास किस तरीके से आपको बजाना है, वो खाली आपने ले लिया तो बाकी आप मेहनत करके वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो। आप हर एक इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी कोई भी चीज ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, वो आपको आगे पक्का लेके जाएंगे। सिंह जी के साथ मैंने जब काम किया, मेरे जो गुरु हैं श्याम हेडवनकर, उन्होंने मेरा रेफरेंस उनको दिया था, उन्होंने मेरा बोंगो सोलो का वीडियो उनको भेजा था और कहा था खाली शी कैन प्ले इन इंस्ट्रूमेंट टू, मतलब ढोलकी तबला वगैरह ऐसे। तो उन्होंने बोला कि उसे बोंगो भी लेके आने के लिए बोलिए और ढोलकी भी लेके आने के लिए बोलिए करके।
तो ये बैंड्रा बीकेसी में शो था सुखवंदर सिंह के साथ में, तो वहाँ पे मैं गई प्रैक्टिस वगैरह, तो मतलब डायरेक्टली मैं स्टेज पे ही गई, मतलब उनकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई थी और डायरेक्टली थोड़ा सा डर था कि मैंने क्या मैं बजाऊंगी, उनके गाने इतने इतने अच्छे गाने में मतलब बजा पाऊंगी कि नहीं, पर वैसे प्रैक्टिस करके गई थी तो सबके साथ मैंने प्ले किया। अचानक वो मेरे पास आए और मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने पब्लिक से किया कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, और डायरेक्टली उन्होंने मुझे ढोलकी सोलो बजाने के लिए बोला कि आप ढोलकी सोलो प्ले करो करके। तो वो एक कितना अच्छा मोमेंट था कि वो, और जब तक मैं ढोलकी सोलो प्ले कर रही हूँ ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक वो मेरे बाजू में ही खड़े थे, वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ में। उसके बाद सुदेश भोसले जी, उनके साथ भी मैंने 2 बार स्टेज शेयर किया, उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी भी बहुत जन के साथ मैंने प्ले किया, साधना सरगम, सोनू निगम जी, उनके साथ बहुत अच्छा लगा। एक खुशी होती है कि जो मैं कर रही हूँ एकदम सही वे में मैं जा रही हूँ। ऐसे मन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे ऐसा भी करना है, ऐसा भी करना है, फिक्स भी किए बहुत सारी चीज़ें, पर साइड बाय मैं एक वर्किंग वूमन भी हूँ। सुबह जो 6 बजे उठती हूँ, 8 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ, घर से निकल जाती हूँ, 8 से 6 वापस घर आते आते 7:30 बज जाते हैं। उसके बाद खाना वगैरह बना के वापस अपना 1 घंटा रियाज करती हूँ। फिक्स ही किया है कि एटलीस्ट आधा घंटा तो देना ही है, मिनिमम टू मिनिमम। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि दोनों चीज़ें बैलेंस करना सारी चीज़ें। ये जो लॉकडाउन हुआ है, मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन का फायदा ना मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने मेरे लिए मैंने बहुत जो चीज़ें नहीं कर पा रही थी मैं, वो मैंने लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया। कि जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए लॉकडाउन में, और वो मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, मुझे इतना अच्छा रिस्पांस पब्लिक से आया। तो उनके इतने सारे मैसेजेस, मतलब मैसेजेस भी ऐसे, कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई क्या, इतने कॉमेंट्स पढ़ के ही इतना अच्छा लग रहा है कि सच्ची में मैं मतलब जो कर रही हूँ सही मतलब कर रही हूँ। और वीडियो डालती गई, लोगों के बहुत सारे रिस्पांस अच्छे अच्छे मुझे मिलते गए। तो एक दिल में अभी एक चीज़ ऐसे हो रही है, और कोई मैसेज ऐसे भी कर रहे हैं कि ये कोविड पेंडेमिक में आप लोगों को इतने मतलब चेहरे पे खुशी दे रहे हो आप, तो ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है। चलो एटलीस्ट ये वक्त पॉजिटिव एनर्जी लाना लोगों में वेरी इम्पोर्टेंट हो चुका है, और लोग मुझे बोल रहे हो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, आप लोगों के चेहरे पे हंसी लेके आ रहे हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और एक वापस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और एक खुशी भी होती है, और क्या कर सकती हूँ मैं लोगों के लिए, और क्या करूँ मैं, और क्या चीज़ें मैं मतलब वीडियो बना के मैं अपलोड करूँ जिससे लोग खुश हो जाएंगे करके। अभी आगे जैसे कि मुझे ये कहाँ ये कोलकाता बेस्ड कंपनी काहून, इसका मुझे इन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इन्होंने ये सारे मुझे गिफ्ट किए, एक काहून ये वुडन बोंगो ये मुझे गिफ्ट किया उन्होंने। एक तो ये फर्स्ट मेरा ये लॉकडाउन में मेरा फर्स्ट ये अचीवमेंट है, इस पे मुझे खुश करना है क्योंकि आप देखोगे तो इंडिया में लैटिन इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली फीमेल बहुत कम है। जो मुझे ये प्लेटफॉर्म पे मतलब जो अभी प्लेटफॉर्म मुझे मिला है अच्छा, उसका मुझे अच्छे तरीके से फायदा, और गुरु भी मुझे इतने अच्छे मिले, तो उनका सपोर्ट लेके एक इंटरनेशनल लेवल पे मुझे कुछ करके दिखाना है। मतलब मेरा इंडियन इंस्ट्रूमेंट उसके साथ में लैटिन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के कुछ एक यूनिक कुछ करना चाह रही हूँ एज अ फीमेल। आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो पक्का मैं ये चीज़ कर सकती। सपने तो बहुत है, अभी फिलहाल ये मेरा सपना ये दुनिया पूरी पेंडेमिक से बाहर आए, ये कोरोना वायरस से पूरी दुनिया बाहर है, ये अभी फिलहाल मेरा बहुत बड़ा सपना है। आएंगे हम लोग, पक्का आएंगे, यही पॉजिटिव एनर्जी सब में आनी चाहिए। प्लीज़ सब लोग, हम लोग तो प्रे कर रहे हैं कि ये पूरे पेंडेमिक से पूरी दुनिया जैसे पहले थी वैसे ही चले। सपने मेरा एक
बहुत बड़ा सपना है कि इंडिया में आप देखोगे फीमेल आर्टिस्ट को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना मेल को मिलता है। मतलब है ये चीज, मतलब बहुत सारे फीमेल रिदमिस्ट हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। जैसे आप देखोगे कि फॉरेन कंट्रीज में इतने सारे फीमेल, आप देखोगे इतने सारे फीमेल प्ले करने वाले हैं रिदम, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, उनको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक का सपोर्ट वहाँ पे उनको मिल रहा है करके। पर इंडिया में मतलब मैं थोड़ा सा ये फील कर रही हूँ कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक तो मैं इसमें एक लकी बोलना चाहूँगी, मुझे जो गुरु मिले बहुत अच्छे गुरु मिले, जिनके पास मैं एकदम बेहिचक मैंने उनके पास से चीज़ें सीखी, सीख रही हूँ अभी भी। तो एक गुरु मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आजकल आप देखोगे कि गुरु मतलब न्यूज़ में मैं पढ़ती हूँ तब तो पता चल जाता है कि ये गुरु ने ऐसा गंदा काम किया। मतलब वो लड़की जा रही है सीखने के लिए, अच्छे काम के लिए वो जा रही है, कुछ करना चाहती है, पर गुरु उसका अलग तरीके से फ़ायदा ले रहे। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, कोई लड़की आपके पास आ रही है सीखने के लिए, प्लीज़ मतलब वो चाहती उड़ना चाहती उसे उड़ने दो, आप क्यों उसके पंख काट रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे इतनी सारी फैमिलीज है फीमेल को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो चाहती है कि मुझे गाना सीखना है, वो चाहती है मुझे डांस करना है, वो चाहती मैं रिदम प्ले करना है, पर उसके शादी के बारे में सोच के वो लोग उसे म्यूजिक लाइन में नहीं आने देते हैं। क्यों ऐसा, क्यों क्यों ऐसा मेल मतलब कोई फैमिली ये एक्सपेक्ट करती कि मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए, वो म्यूजिक लाइन की नहीं होनी चाहिए, क्यों? ये बहुत सब जगह पे नहीं हो रहा है, पर काफ़ी जगह पे ये हो रहा है, ये चीज़ ये नहीं होना चाहिए। उसे उड़ने दो, वो जो चाहती उसे करने दो। तो मेरा एक सपना आप पूछोगे तो मुझे एक एकेडमी ओपन करनी है जहाँ पे बहुत सारी फीमेल बेहिचक सीखने के लिए आ सकते हैं, उनको मैं सिखा सकती हूँ, जो मैं मुझे जो विद्या मिली है मैं ऐसे बांटूँ सबको, वो भी खुशी खुशी मतलब जो चाहती म्यूजिक में करियर बनाने के लिए वो भी करे। मैंने एक देखा है चीज़ कि जिनके लाइफ पे म्यूजिक जो रिदम होता है ना वो अंदर से खुश होता है। तो जो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कितने भी प्रॉब्लम्स है, मेरे भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर म्यूजिक ने मुझे ऐसे ऊपर और डिप्रेशन से मुझे बाहर निकाला है। तो मैं तो ये चाहूँगी हर एक फैमिली में एक म्यूजिक लाइन में होना बहुत ज़रूरी है। तो एक म्यूजिक एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, तो मैं चाहूँगी म्यूजिक को सपोर्ट करें, फीमेल को सपोर्ट करें जो म्यूजिक करना चाहती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ म्यूजिक के लिए फीमेल को सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं निशा मोकल, थैंक यू सो मच मुझे ये मंच पे इनवाइट करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। मेरी म्यूजिक की लाइफ की जर्नी, मैं पहले तबला सीखी हूँ, उसके बाद ये मराठी फोक इंस्ट्रूमेंट ढोलकी, उसके बाद ये ढोलक, उसके बाद है ये काहन, ये वुडन, ये इंडियन बोंगो है और ये वुडन बोंगो है। तो जैसे जैसे मैं एक एक इंस्ट्रूमेंट के वीडियोस बनाती गई और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसे जैसे मैं अपलोड करती गई, तो व्यूवर्स ने ही मतलब मुझे ये टैग दे दिया मल्टी परकशनिस्ट करके, क्योंकि एक मैं इंस्ट्रूमेंट मतलब एक इंस्ट्रूमेंट पे मैं सीमित नहीं हूँ, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। तो मुझे क्या बोलना चाहिए, तबला प्लेयर बोलना चाहिए, ढोलकी प्लेयर बोलना चाहिए, ढोलक प्लेयर बोलना चाहिए, बोंगो प्लेयर बोलना चाहिए। तो व्यूवर्स ने मुझे एक ये नाम दे दिया मल्टी परकशनिस्ट। तो मैं अभी एक एक इंस्ट्रूमेंट का एक डेमो मैं आपको दिखाना चाहूंगी।
शुरुआत मतलब मैं स्कूल से ही ये लाइन में हूँ, मतलब मुझे म्यूजिक का स्कूल से ही मतलब बचपन से तो म्यूजिक था ही, पता नहीं एक अंदर से एक रिदम हमेशा मैं बजा लेती थी। गांव में एक छोटी थी तब मैं गांव में गई थी, वहां पे गणपति उत्सव में ढोलक बजाते, तो वो मैंने बजाना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो रिदम आते गया। तो मेरे मतलब घर पे जब मैं आई मुंबई में वापस गांव से, तो सब डिब्बे बजा रही हूँ, कबड़ बजा रही हूँ, बेड बजा रही हूँ, तो वो एक रिदम ऑलरेडी मेरे मेरे में था। वो मेरे जो गुरु सदानंद साजम ये तबला सिखाते थे, तो मेरी बहन वहाँ पे मंदिर में जाती थी, तो उसने देखा कि फीमेल भी वहाँ पे तबला बजाते हैं करके। पहले इसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि फीमेल भी बजा लेते हैं रिदम। तो मुझे मेरे सिस्टर बड़ी सिस्टर ने मेरा नाम वहाँ पे दर्ज किया, तो वहाँ से मेरी तबला इसकी शिक्षा स्टार्ट हो गई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे कॉलेज में आई, तो कॉलेज में ढोलकी ये इंस्ट्रूमेंट ने मुझे अट्रैक्ट किया, तो वो ढोलकी मैंने गुरुवर ऐसी सदानंद राजाराम जामसंडेकर इनके पास से मैंने ढोलकी की शिक्षा ली। जो ढोलकी में एक ता आता है, वो ता निकालने के लिए मेरे 6 महीने चले गए। मतलब एक 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 बाज रहता है हर एक इंस्ट्रूमेंट का, वो उसी तरह से बजना चाहिए। हर तबले का एक बाज है, ढोलक का एक बाज है, वैसे ही ढोलकी का एक बाज है। तो वो ढोलकी में ता लाना मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल हुआ था। वो 6 महीने तक मेरे गुरु ने वो ता जब तक नहीं आ रहे तब तक मेरे से वो प्रैक्टिस करवाई। मतलब ता बजाते बजाते मेरे फिंगर्स में स्वेलिंग आने लगी थी, तो भी मैंने छोड़ा नहीं, मिले नहीं वो ता आना ही चाहिए करके। तो ऐसी मेरी ढोलकी की शिक्षा मतलब स्टार्ट हुई। ढोलक मैंने कहाँ पे सीखा नहीं, ढोलक मैंने ऑटोमेटिकली ऐसे ही प्रैक्टिस दूसरों को देख देख के मैंने सीखा ये ढोलक, और अच्छा लगता है ढोलक बजाना भी। और उसके बाद मुंबई में एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है हर साल, तो वो म्यूजिक फेस्टिवल में मैं गई थी। तो वहाँ पे मेरे जो लैटिन इंस्ट्रूमेंट में जिनके पास मैं सीख रही हूँ, मिस्टर श्याम हेडवनकर, तो वो वहाँ पे तुम्बा प्ले कर रहे थे। तो वो तुम्बा और बोंगो प्ले कर रहे थे, तो मैंने जब उनको देखा वो बजाते हुए, तो वो इंस्ट्रूमेंट ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, मिली ये कैसे बजा लेते हैं, मतलब इतने में अट्रैक्ट हो गए, नहीं मुझे ये प्ले करना ही है। तो उनका प्ले होने के बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये इंस्ट्रूमेंट मुझे आपके पास से सीखना है, क्या प्लीज़ आप मुझे सिखाओगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ सिखाएंगे। तो लैटिन इंस्ट्रूमेंट की शिक्षा भी उनके पास मेरे ऐसे स्टार्ट हो गई। उसके बाद तुम्बा बजा लेती हूँ, ये बोंगो है, काहोन भी उनके पास ही मैंने सीखा। ऐसा एक एक इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे मुझे जो इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है रिदम, मतलब कहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, खाली उसका बास समझ के ले लो, ये उसका बास किस तरीके से आपको बजाना है वो खाली आपने ले लिया, तो बाकी आप मेहनत करके वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो। प्रैक्टिस आप हर एक इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी कोई भी चीज ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, आप प्रैक्टिस करोगे मेहनत करोगे वो आपको आगे पक्का लेके जाएंगे।
साथ मैंने जब काम किया, मेरे जो गुरु हैं श्याम एडवनकर, उन्होंने मेरा रेफरेंस उनको दिया था, उन्होंने मेरा बोंगो सोलो का वीडियो उनको भेजा था और कहा था खाली शी कैन प्ले इन इंस्ट्रूमेंट टू, मतलब ढोलकी तबला वगैरह ऐसे। तो उन्होंने बोला कि उसे बोंगो भी लेके आने के लिए बोलिए और ढोलकी भी लेके आने के लिए बोलिए करके। तो ये बैंड्रा बीकेसी में शो था सुखवंदर सिंह के साथ में, तो वहाँ पे मैं गई प्रैक्टिस वगैरह, तो मतलब डायरेक्टली मैं स्टेज पे ही गई, मतलब उनकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई थी और डायरेक्टली थोड़ा सा डर था कि मैंने क्या मैं बजाऊंगी, उनके गाने इतने इतने अच्छे गाने मैं मतलब बजा पाऊंगी कि नहीं, पर वैसे प्रैक्टिस करके गई थी। तो सबके साथ मैंने प्ले किया, अचानक वो मेरे पास आए और मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने पब्लिक से किया कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, और डायरेक्टली उन्होंने मुझे ढोलकी सोलो बजाने के लिए बोला कि आप ढोलकी सोलो प्ले करो करके। तो वो एक कितना अच्छा मोमेंट था कि वो, और जब तक मैं ढोलकी सोलो प्ले कर रही हूँ, ख़त्म नहीं हो रहा है, तब तक वो मेरे बाजू में ही खड़े थे। वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ में। उसके बाद सुदेश भोसले जी, उनके साथ भी मैंने दो बार स्टेज शेयर किया, उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी भी बहुत जन के साथ मैंने प्ले किया, साधना सरगम, सोनू निगम जी, उनके साथ बहुत अच्छा लगा। एक एक खुशी होती है कि जो मैं कर रही हूँ एकदम सही वे मैं जा रही हूँ। ऐसे मन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे ऐसा भी करना है, ऐसा भी करना है, फिक्स भी किए बहुत सारी चीज़ें, पर साइड बाय मैं एक वर्किंग वूमन भी हूँ। सुबह जो 6 बजे उठती हूँ, 8 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ, घर से निकल जाती हूँ, 8 से 6 वापस घर आते आते 7:30 बज जाते हैं। उसके बाद खाना वगैरह बना के वापस अपना 1 घंटा रियाज करती हूँ। फिक्स ही किया है कि एटलीस्ट आधा घंटा तो देना ही है, मिनिमम टू मिनिमम। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि दोनों चीज़ें बैलेंस करना सारी चीज़ें। ये जो लॉकडाउन हुआ है, मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन का फायदा ना मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने मेरे लिए, मैंने बहुत जो चीज़ें नहीं कर पा रही थी मैं, वो मैंने लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया। कि जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए लॉकडाउन में और वो मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, मुझे इतना अच्छा रिस्पांस पब्लिक से आया। तो उनके इतने सारे मैसेजेस, मतलब मैसेजेस भी ऐसे, कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई क्या, इतने कॉमेंट्स पढ़ के ही इतना अच्छा लग रहा है कि सच्ची में मैं मतलब जो कर रही हूँ सही मतलब कर रही हूँ। और वीडियो डालती गई, लोगों के बहुत सारे रिस्पांस अच्छे अच्छे मुझे मिलते गए। तो एक दिल में अभी एक चीज़ ऐसी हो रही है, और कोई मैसेज ऐसे भी कर रहे हैं कि ये कोविड पेंडेमिक में आप लोगों को इतने मतलब चेहरे पे खुशी दे रहे हो आप, तो ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है। चलो एटलीस्ट ये वक्त पॉजिटिव एनर्जी लाना लोगों में वेरी इम्पोर्टेंट हो चुका है, और लोग मुझे बोल रहे हो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, आप लोगों के चेहरे पे हंसी लेके आ रहे हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और एक वापस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और एक खुशी भी होती है, और क्या कर सकती हूँ मैं लोगों के लिए, और क्या करूँ मैं, और क्या चीज़ें मैं मतलब वीडियो बना के मैं अपलोड करूँ जिससे लोग खुश हो जाएंगे करके। अभी आगे जैसे कि मुझे ये कहाँ, ये कोलकाता बेस्ड कंपनी काहून, इसका मुझे इन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इन्होंने ये सारे मुझे गिफ्ट किए। एक काहून, ये वुडन बोंगो, ये मुझे गिफ्ट किया उन्होंने। एक तो ये फर्स्ट मेरा, ये लॉकडाउन में मेरा फर्स्ट ये अचीवमेंट है। इस पे मुझे खुश करना है क्योंकि आप देखोगे तो इंडिया में लैटिन इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली फीमेल बहुत कम है। जो मुझे ये प्लेटफॉर्म पे, मतलब जो अभी प्लेटफॉर्म मुझे मिला है अच्छा, उसका मुझे अच्छे तरीके से फायदा, और गुरु भी मुझे इतने अच्छे मिले, तो उनका सपोर्ट लेके एक इंटरनेशनल लेवल पे मुझे कुछ करके दिखाना है। मतलब मेरा इंडियन इंस्ट्रूमेंट उसके साथ में लैटिन, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के कुछ एक यूनिक कुछ करना चाह रही हूँ एज अ फीमेल। आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो पक्का मैं ये चीज़
कर सकती। सपने तो बहुत है, अभी फिलहाल ये मेरा सपना ये दुनिया पूरी पेंडेमिक से बाहर आए, ये कोरोना वायरस से पूरी दुनिया बाहर है, ये अभी फिलहाल मेरा बहुत बड़ा सपना है। आएंगे हम लोग, पक्का आएंगे, यही पॉजिटिव एनर्जी सब में आनी चाहिए। प्लीज सब लोग, हम लोग तो प्रे कर रहे हैं कि ये पूरे पेंडेमिक से पूरी दुनिया जैसे पहले थी वैसे ही चले। सपने मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि इंडिया में आप देखोगे फीमेल आर्टिस्ट को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना मेल को मिलता है। मतलब है ये चीज़, मतलब बहुत सारे फीमेल रिदमिस्ट हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। जैसे आप देखोगे कि फॉरेन कंट्रीज में इतने सारे फीमेल, आप देखोगे इतने सारे फीमेल प्ले करने वाले हैं रिदम, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, उनको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक का सपोर्ट वहाँ पे उनको मिल रहा है करके। पर इंडिया में मतलब मैं थोड़ा सा ये फील कर रही हूँ कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक तो मैं इसमें एक लकी बोलना चाहूँगी, मुझे जो गुरु मिले बहुत अच्छे गुरु मिले, जिनके पास मैं एकदम बेहिचक मैंने उनके पास से चीज़ें सीखी, सीख रही हूँ अभी भी। तो एक गुरु मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आजकल आप देखोगे कि गुरु मतलब न्यूज़ में मैं पढ़ती हूँ तब तो पता चल जाता है कि ये गुरु ने ऐसा गंदा काम किया। मतलब वो लड़की जा रही है सीखने के लिए, अच्छे काम के लिए वो जा रही है, कुछ करना चाहती है, पर गुरु उसका अलग तरीके से फ़ायदा ले रहे। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, कोई लड़की आपके पास आ रही है सीखने के लिए प्लीज़, मतलब वो चाहती उड़ना चाहती, उसे उड़ने दो, आप क्यों उसके पंख काट रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे इतनी सारी फैमिलीज है फीमेल को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो चाहती है कि मुझे गाना सीखना है, वो चाहती है मुझे डांस करना है, वो चाहती है मैं रिदम प्ले करना है, पर उसकी शादी के बारे में सोच के वो लोग उसे म्यूजिक लाइन में नहीं आने देते हैं। क्यों ऐसा, क्यों क्यों ऐसा मेल मतलब कोई फैमिली ये एक्सपेक्ट करती कि मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए, वो म्यूजिक लाइन की नहीं होनी चाहिए, क्यों? ये बहुत सब जगह पे नहीं हो रहा है, पर काफ़ी जगह पे ये हो रहा है, ये चीज़ ये नहीं होना चाहिए। उसे उड़ने दो, वो जो चाहती उसे करने दो। तो मेरा एक सपना आप पूछोगे तो मुझे एक एकेडमी ओपन करनी है जहाँ पे बहुत सारी फीमेल बेहिचक सीखने के लिए आ सकते हैं, उनको मैं सिखा सकती हूँ, जो मैं मुझे जो विद्या मिली है मैं ऐसे बांटूँ सबको, वो भी खुशी खुशी अपन मतलब जो चाहती है म्यूजिक में करियर बनाने के लिए वो भी करे। मैंने एक देखा है चीज़ कि जिनके लाइफ में म्यूजिक जो रिदम होता है ना वो अंदर से खुश होता है। तो जो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कितने भी प्रॉब्लम्स है, मेरे भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर म्यूजिक ने मुझे ऐसे ऊपर और डिप्रेशन से मुझे बाहर निकाला है। तो मैं तो ये चाहूँगी हर एक फैमिली में एक म्यूजिक लाइन में होना बहुत ज़रूरी है। तो एक म्यूजिक एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, तो मैं चाहूँगी म्यूजिक को सपोर्ट करें, फीमेल को सपोर्ट करें जो म्यूजिक करना चाहती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ म्यूजिक के लिए फीमेल को सपोर्ट करें।